उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL ने शनिवार 31 जुलाई को एक लाइसेंस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से जेवर हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जमीन के औपचारिक हस्तांतरण का संकेत देता है। इसके साथ अब फाइनेंशियल क्लोजर के लिए भी रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह में एक ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्माण कार्य का उद्घाटन और आधारशिला रखने की उम्मीद है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहायक कंपनी, जिसे दिल्ली के बाहरी इलाके में 30,000 करोड़ रुपए लागत से ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि SPV के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक से परियोजना के पहले चरण के लिए 3,725 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त करने के अंतिम चरण में है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि परियोजना का फाइनेंशियल क्लोजर निकट है और उम्मीद है कि ये अगले 2 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। कुल 1334 हेक्टेयर में से 1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए सौंप दी गई है। करीब 90% का रास्ता मिल गया है और एक साइट इन्वेंटरी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए साइट के उपलब्ध हिस्से तक जाने का अधिकार देता है। हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा पूरी भूमि उपलब्ध कराए जाने के 3 साल बाद है। 5,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2024 के अंत तक हवाई अड्डे के पहले चरण पर काम पूरा करने की योजना है। राज्य सरकार बाकी 1334 हेक्टेयर साइट की तैयारी पूरी करने के लिए सावधानी पूर्वक काम कर रही है। कंपनी की कोशिश है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो और 3 साल के भीतर पहले चरण की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रणनीतिक महत्व रखेगा और उत्तर प्रदेश और भारत के विकास के लिए एक आर्थिक इंजन होगा और भारत में एविएशन इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शुरू करने के लिए करीब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आधारशिला रखने के समारोह की तारीख अभी तय नहीं की गई है। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एक समारोह की दिशा में काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।